हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आज की न्यूज़ आई है वो ये ट्राईफेड के बारे में, तो जान लेते हैं कि क्या तो न्यूज़ है और क्या हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, न्यूज़ में तो बेसिकली इस मिनिस्ट्री के सॉरी इस बॉडी के बारे में बताया गया है कि इसके द्वारा कुछ ऑर्गेनाइज वगैरह किया गया ट्राइबल एरिया के लिए। तो हम बॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो हम देख लेते हैं। ट्राइफेड का देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाता है यह। एक्चुअली आपको बता दूं कि ट्राइबल फेयर जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म वो क्या है? ट्राइफेड की फुल फॉर्म वो है ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नेशनल लेवल की एक अपेक्स बॉडी है जो कि ट्राइबल एरिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना। अब देखो होता क्या है, हमारे देश में काफ़ी ट्राइब्स रहती हैं, तो उन ट्राइब क्या है कि एक बार वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ट्राइबल एरिया वो आपको पता है कि मेनली रूरल एरिया में रहता है, तो इसलिए उसकी मार्केट तक एक्सेस नहीं होती है। अब भाई उनके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट तक कौन ले के और उनको उचित दाम कैसे मिले, ये सारे काम किए जाते हैं ट्राइफेड के द्वारा। तो एक बॉडी बनाई गई है जो कि ट्राइबल के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको एक्चुअली जगह जगह पे आवेग तरीके से मतलब प्रदर्शनी वगैरह आयोजित वगैरह करवा के या फिर कोई एनजीओ की हेल्प लेके या फिर जो सोशल ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प लेके मेन काम ये होता है कि ट्राइबल के जो इंटरेस्ट हैं, ट्राइबल के जो आर्ट्स हो गई, उनके हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हो गए, उन सबको पूरे वर्ल्ड के लेवल पे फैलाना। मतलब सीधी सी बात है कि उनकी आजीविका है वो सिक्योर करना। तो ये थोड़ा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो है आदि महोत्सव के बारे में। तो देखो जो आदि महोत्सव है वो एक्चुअली ट्राइफेड अफेयर जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत ये ट्राइफेड सॉरी और ट्राइफेड जो अपेक्स लेवल की बॉडी है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज वो किया जाता है। काम क्या होता है इस महोत्सव का? इस महोत्सव का मेन फोकस ये होता है कि जो ट्राइबल एरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना। तो प्रमोट करने के लिए एक तरीके से ये प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है वो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभी रिसेंटली है वो आयोजित किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे आयोजित है वो किया गया है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों? देखो इसका मेन मोटो ये है कि अवेयरनेस है वैक्सीन के प्रति लोगों को वो अवेयर करवाना, क्योंकि देखो आज के टाइम पर डिजीज वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ डिजीज ऐसी हैं मैक्सिमम अगर उनका टाइम पर वैक्सीन वगैरह अगर इंजेक्शन वगैरह ले लिया जाता है तो उन गंभीर समस्याओं से या गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसीलिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है वो स्टार्ट किया गया है 24 से 30 अप्रैल तक। तो यह थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। थीम क्या है इस बार की? थीम हो है प्रोटेक्ट टुगेदर #वैक्सीन वर्क्स। देखो मेन काम इसका जैसे आपको बता दूं, काफ़ी सारी जैसे डिजीज़ होती हैं जैसे कि आप देख सकते हो मीजल्स हुआ, रूबेला हुआ, पोलियो जैसी डिजीज़ हैं, अगर इनका हम टाइम पे वैक्सीन ले लेते हैं बचपन में जब बर्थ होती है उसके बाद, तो हमें इन हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है या ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर वर्ल्ड WHO ये चाहता है कि भाई सभी कंट्रीज़ है ना वो अपने अपने देश के अंदर लोगों को अगर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन के बारे में अवेयर करें और लोग अगर वो टाइम पर वैक्सीन वगैरह ले लें तो उस कंडीशन में जो भी डिजीज़ होती जो कि मेनली वैक्सीन से बचाई जा सकते हैं उनसे तो हम निजात पा सकते हैं ना। और इसी के लिए कैंपेन और एक प्रोग्राम भी चलाया गया था जो है कि ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान। तो इसे भी थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 2012 में स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटो ये था कि वैक्सीन से जो भी डिजीज हैं वो जो कि खत्म हो सकते हैं या उनसे हम बच सकते हैं उन डिजीज़ को हम एक्चुअली 2020 तक उनकी संख्या में कमी करें या उनको हम एक तरीके से बोलें तो कंट्रोल करने के लिए, मतलब वैक्सीन से जिन डिजीज़ की को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वैक्सीन का यूज़ करते हुए 2020 तक उन डिजीज से हम बचें, जैसे कि हो गया मीजल्स और रूबेला जो ऐसी डिजीज हैं अगर इनका हम टाइम पर वैक्सीन वगैरह ले लेते हैं तो हम इनसे बच सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ थी। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है लैंड फंड के बारे में। तो विश्व का सबसे छोटा जो लैंड फंड है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट में पाया गया है। तो ये कंटेक्स्ट है तो थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो लैंड फंड है वो एक्चुअली हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्टर्न घाट का जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर यह पाया गया है, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न घाट वो गुजरात में भी फैला हुआ है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेस्टर्न घाट वो कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। ये UPSC क्वेश्चन इसके बारे में पूछा भी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वेस्टर्न घाट के एक डांग जिला है DNG नाम डांग जिले वगैरह का तो नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मेनली गुजरात का उस जिले के अंतर्गत ये पाया गया है और वहाँ पे एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है अहवा फॉरेस्ट।
एक फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में आता है, वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे सबसे छोटा लैंड फर्न है वो पाया गया है विश्व का। ये तो कंटेक्स्ट है और ये न्यूज़ है, तो हमें थोड़ी ये ध्यान रखनी है। इसी के साथ एक न्यूज़ और है कि वेस्टर्न घाट में एक नई मेंढक की स्पीसीज़ है वो पाई गई है, न्यू फ्रॉग स्पीसीज़ है वो पाई गई है, जो कि गोवा में है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये स्पीसीज है वो गोवा में पाई गई है, तो UPSC स्टेट बेस्ड भी पूछ सकती है कि भाई नई जो स्पीसीज है वो कहाँ पाई गई है, वेस्टर्न घाट में पहली बात, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती है मे बी गोवा। तो पहला क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पीसीज का मेंढक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या नाम है उसका, नाम कुछ उसका अजीब सा है, फेजेवूरा गोएमाची ऐसे कुछ नाम है, तो नाम आप देख लेना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि UPSC मेनली ऐसी जगह पे नाम वगैरह पे फोकस नहीं करती है, बस वही पूछते कि फ्रॉग की स्पीसीज वो कहाँ पाई गई रिसेंटली वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अंडमान है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है या फिर अरुणाचल प्रदेश वगैरह। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, कंटेक्स्ट तो कुछ इस प्रकार है कि अभी मछुआरों को रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है, GPS की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाने के लिए INCOIS और गगन है, दोनों मिलकर काम करने की कुछ बात है। तो ये जब कंटेक्स्ट हम समझें, इससे पहले हम दोनों की बॉडीज़ के बारे में जान लेते हैं। एक तो है INCOIS, क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो अब नाम से फुल फॉर्म से समझ में आ गया कि ऑब्वियसली जो ओशियंस हैं हमारे आसपास, उन ओशियंस की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए इंडिया को नेशनल लेवल पे ये एक सेंटर बनाया गया, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। मिनिस्ट्री है वो है अर्थ एंड साइंस, तो ये ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट या एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका मेन काम ये होता है कि भाई जो भी ओशियन की बेस्ट प्रैक्टिसेज या जो भी सर्विस है ना, वो लोगों को, सोसाइटी को, इंडस्ट्रीज को या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को है, उनको रिसर्च वगैरह के थ्रू प्रोवाइड करना। सीधी सी बात यह है कि ओशियंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो जिनको भी जरूरत है हमारे देश में, इंडिया में, उनको प्रोवाइड करना। क्यों? ताकि वो ओशियन के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकें, उनका कंजर्वेशन है वो कर सकें और बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान है वो कर सकें। तो इसलिए INCOIS और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया। अब चलते हैं आगे। अगला जो है वो है गगन। गगन क्या है? गगन एक GPS बेस्ड जियो ऑगमेंटेड सर्विस है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इंडिया में इसरो और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है AAI उसके द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान रखना है गगन है जिस तरीके से नाविक बनाया गया ना, सेम कुछ उसी प्रकार का है। नाविक है वो इंडिया का रीजनल लेवल सेटेलाइट सिस्टम है, जबकि गगन है वो एक्चुअली मेनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि देखो जो एयर ट्रैफिक होता है उसके लिए भी GPS की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए अलग से अगर GPS की कुछ सिस्टम होगा तो उसको उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो भी फ्लाइट्स वगैरह हमारे देश में या कंट्रोल की जाती हैं, मॉनिटर की जाती हैं एयर ट्रैफिक को, उन सबको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी क्लियरिटी वो बढ़ेगी, कई बार रिस्क वगैरह होता है वो कम हो जाएगा, फ्यूल सेविंग भी होगी, रूट एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी, ट्रैफिक कंट्रोल में भी हमें हेल्प है वो मिलेगी। तो इसलिए गगन एक वो सिस्टम है, एक GPS है वो बनाया गया, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। किसके द्वारा डेवलप किया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात इसरो, इसके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा बता दूं आपको कि जो INCOIS है ना, अब ये ऐसा चाह रहा है कि भाई जो गगन जो सेटेलाइट सिस्टम है ना, इसका हम यूज़ करते हुए मछुआरे को भी इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि देखो मछुआरों को अगर GPS वगैरह से इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है तो उनका फ़ायदा एक तो ये होगा कि वो बाउंड्री जो कंट्री की बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास GPS की सारी इन्फॉर्मेशन है वो रहेंगी और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है गगन की। इसके साथ ही और फायदा हो जाएगा कि उनको पता रहेगा कि भाई मौसम वगैरह कहाँ ख़राब होने, कौन से एरिया में ख़राब हो रखा है, तो वो मतलब काफ़ी अवेयर रहेंगे और उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी काफ़ी ईजी है वो हो जाएगा। तो इसलिए ये कंटेक्स्ट था, तो हमें कंटेक्स्ट भी ध्यान रखना है यहाँ पे, और ये गगन और INCOIS है ये कहीं दोनों हमने यहाँ पे देख लिए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सागर कवच एक्सरसाइज के बारे में। तो सागर कवच एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, मतलब हमारे देश में जो भी कोस्टल एरियाज है, काफ़ी सारे एरिया कोस्टल एरिया है, तो उस एरिया में सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि जब से हमारे देश में मुंबई अटैक हुआ था, उस मुंबई अटैक के बाद गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट हो गई है कि भाई कैसे भी हो कोस्टल सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रावधान भी किए हैं। तो टाइम टू टाइम कोस्टल एरिया में एक्सरसाइज की जाती हैं ताकि जो एफिशिएंसी है हमारे देश की कोस्टल एरिया की, जो फोर्स वगैरह है उन सबको सिक्योर है वो किया जा सके और जो भी बाउंड्री है उसको भी हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो इसलिए सागर कवच एक्सरसाइज है वो कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, और यह एक साल में दो बार है वो आयोजित की जाती है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि किसी दूसरी कंट्री के साथ भाई ये कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, ये केवल इंडिया की खुद की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट के बारे में।
तो एक मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भाई क्लियर क्लियर तो ये कहा गया है कि एशिया और पैसिफिक वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में एक चीज़ से हम एशिया और पैसिफिक वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मेनली वुमेन एम्पावरमेंट है वो काफ़ी कम है और जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि एशिया और पैसिफिक वाला क्षेत्र है वहाँ पे इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो अचीव नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि देखो आज भी सोसाइटी में काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार वुमेन है वो काम नहीं कर सकती, वुमेन को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो घर भी रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसमें लगभग हाफ अप्रोक्सीमेट आप एक तरीके से हाफ बोल सकते हो कि जैसे ये मान लो कि 1 अरब पॉपुलेशन है तो इसमें लगभग 50 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो तो फीमेल्स की है। अगर आप देख लो कि अभी हमारे देश में इतनी ज़्यादा जेंडर इनइक्वलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में 50 करोड़ जो वुमेंस हैं वो प्रॉपर ढंग से काम, मतलब उनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। अब अगर आप एक बात सोच के देखिए कि अगर यही 50 करोड़ वुमेन अगर एक काम करें हमारे देश के लिए, अपने इकोनॉमी के लिए, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी तरफ भी हमारा कदम है वो बढ़ेगा, इसके साथ हमारी इकोनॉमी को भी तो फायदा होगा ना, क्योंकि 50 करोड़ की एक लेबर फोर्स है वो तैयार हो रही है और उनका भी हमारे देश की इकोनॉमी के इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ऑल ओवर इसका फायदा तो हमें ही हो रहा है ना, ऐसी बात थोड़ी इसका फायदा केवल किसी और को ही आ रहा है, वुमेन को ही हो रहा है, वुमेन के साथ साथ हमें भी फायदा हो रहा है और हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप कर रही है और हमें इसका ऑल ओवर फायदा फिर मिलेगा चारों तरफ से। तो इसीलिए इस बात में एक आ गया कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में यही दिक्कत आ रही है कि वो जेंडर इनइक्वलिटी को अब भी फोकस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से, मतलब इसकी तरफ कदम नहीं उठा रहे हैं हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए। बस बात ये जाती है कि हाँ भाई जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है बट उसको दूर करने के लिए क्या स्टेप उठाने हैं वो यहाँ पे फोकस है वो नहीं किए गए हैं। तो यही इस रिपोर्ट में जारी किया गया कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में अगर वुमेन एम्पावरमेंट लाना है तो जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करना होगा और वुमेन को भी एक्चुअली लेबर में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना होगा। तो ये इस रिपोर्ट का कंटेक्स्ट था और जो सारा सार था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं आज। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो है आईपीसीसी के बारे में। आईपीसीसी इसके बारे में आपको बताना है ये क्या है, क्या यह है कोई मतलब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट वगैरह है, इसके साथ ही इसका काम वगैरह क्या है। तो देखो इसके बारे में चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आईपीसीसी है यह मेनली एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, 2 दिन पहले ही, आई होप आपको याद होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट यह था कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, इन दोनों का यह प्रोग्राम है, इन दोनों का ज्वाइंट सिस्टम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईपीसीसी। और इस बार देखो न्यूज़ में बहुत रहा है तो मेरी आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप इन न्यूज़ करंट अफेयर को सारा अच्छे से कनेक्ट करके रखें, क्योंकि अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अप्रोक्सीमेट महीना भर बचा है, तो अच्छे से प्रिपरेशन को आगे कैरी ऑन रखें। काम क्या होता है इसका, इसका काम ये होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं क्लाइमेट चेंज की उनको आगे कंटिन्यू रख सकें। अब देखो जो अगला है वो था RE21 के बारे में, कंटेक्ट वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क के बारे में। पहला ऑप्शन ये है कि यह एक्चुअली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका एक प्रोग्राम है। दूसरा यह है कि इसका मेन काम यह है कि केवल इंडिया के क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत हो जाता है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहली बात ये, और वो भी किसके तहत, UNEP के तहत। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। दूसरा ये बात है कि है केवल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं करता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हो बढ़ाया जा सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस तरीके से UPSC में काफ़ी कई बार क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ लेती है। तो देखो हमें क्वेश्चंस के बारे में कई बार ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि UPSC बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगी और हम आराम से कर देंगे, क्योंकि UPSC कई बार क्वेश्चन इतने सिंपल पूछ लेती है कि फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें प्रिपरेशन है वो अच्छे से रखनी है और इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि UPSC रियल क्वेश्चन वहीं से पूछती है। वहीं से पूछने का मतलब ये कि UPSC का पैटर्न एक कुछ अलग है, वो पैटर्न एक्चुअली बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह वो फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि UPSC की थिंकिंग और बाकी इंस्टीट्यूट की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो हमें एक्चुअली जो बाहर के इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स वगैरह होते हैं उन पे फोकस करने की बजाय हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो UPSC के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ताकि वहां से हमें एक ट्रिक मिल सके, हमें एक आइडिया मिल सके कि भाई UPSC की पूछना क्या चाहती है। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट वाले ना कई बार क्या करते हैं कि काफ़ी टफ पेपर बना देते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें कंपटीशन होता है ताकि बच्चे देख सकें यार कि इस इंस्टीट्यूट का पेपर काफ़ी टफ है तो हमें और ज़्यादा मेहनत वगैरह करनी होगी। तो ऑल ओवर वैसा कुछ होता नहीं है और कई बार वो ऑप्शंस भी इतने क्लोज देते हैं जितना UPSC नॉर्मली कभी नहीं देती है।
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है विष्णुप्रयाग के बारे में कि विष्णुप्रयाग कहाँ पे बनता है, कौन कौन सी रिवर बनती है विष्णुप्रयाग के ऊपर। देखो विष्णुप्रयाग है वो आपके, चलो ये कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आपको, मैं नहीं बता रहा फिलहाल, क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही, और इसके बारे में हमने मैप भी डिस्कस किया था। तो यूपीएससी इन प्रयाग वगैरह के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और वापस भी पूछ सकती है, तो थोड़ा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो थी आज की हमारी न्यूज़, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।